नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनिंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज का संडे जो है, आज का जो रविवार है, बड़ा खास है क्योंकि एक तरफ दिल्ली में राहुल गांधी ने रैली की है और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में कांग्रेस से अलग हुए गुलाम नबी आजाद ने रैली की है। तो मैं बात करती हूँ कि गुलाम नबी आजाद ने रैली में क्या क्या भाषण दिया, क्या क्या बातें की, क्या वो चाहते हैं और क्या वो कांग्रेस से अलग करके दिखाना चाह रहे हैं। दोस्तों पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और फिर वही बात कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक भी कीजिएगा, इस पर कमेंट भी दीजिएगा। तो मैं बात कर रही थी गुलाम नबी आज़ाद की, जिन्होंने आज रविवार को जम्मू कश्मीर में एक रैली की और कहा कि वो एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो पार्टी है उसका झंडा ऐसा होगा जो हर धर्म को पसंद आए, जिसे हर धर्म स्वीकार करे, और पार्टी का झंडा और नाम कश्मीर की आवाम तय करेगी। और कांग्रेस से इस्तीफे के बाद ये उनकी पहली रैली है। मैं आपको बता दूं कि वो दो बातें कह रहे हैं कि ये जो उनका झंडा और पार्टी का नाम है वो सभी को पसंद आना चाहिए, राइट। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि पार्टी का झंडा और नाम कश्मीर की आवाम तय करेगी। तो यहाँ मुझे दो अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही हैं जिसके नतीजे हमें कुछ दिनों के बाद देखने को मिलेंगे। एक और बात, आज़ाद ने कांग्रेस हाईकमान में किसी का भी नाम नहीं लिया अपनी रैली में, और ये ज़रूर कहा कि उन लोगों में नई पार्टी बनने की वजह से बौखलाहट है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि वो किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। उधर जो दिल्ली में रैली हो रही है उसमें भी भाषण में ये कहा गया कि कांग्रेस पार्टी में आना जाना लगा रहता है, आना आसान है, जाना आसान है, लेकिन पार्टी में बने रहना आसान नहीं है। तो आज ये कोइंसाइड है कि दोनों लोगों ने आज का दिन चुना रैली के लिए। राहुल ने महंगाई को एजेंडा बनाया है और उसी बीच में बात चलती है गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस छोड़ने को, और इधर आज़ाद भी अपनी रैली में कांग्रेस का नाम लिए बगैर बहुत सारी बातें कह जाते हैं। उनकी पार्टी का जो उन्होंने एक व्यू दिया है वो ये है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिले और बाहरी आदमी वहाँ ज़मीन ना ले सके, और नौकरी केवल जम्मू कश्मीर के लोगों को मिले। तो दोस्तों इसे आप क्या कहेंगे? नई पार्टी का उन्होंने अभी तक नाम तय नहीं किया है, झंडा और नाम कश्मीरी तय करेंगे जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, और पार्टी को वो ये भी कह रहे हैं कि वो एक हिंदुस्तानी नाम देंगे जिसे हर कोई समझ सके, यानी कि वो कश्मीर यहाँ पर हर समय बवाल करने की कोशिश की जाती है, वहीं के लोग ये तय करेंगे कि उनकी पार्टी का नाम क्या हो, झंडा कैसा हो। और उन्होंने कह ही दिया है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिले, भारी आदमी ज़मीन ना खरीद सके, और नौकरी जो है वहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को ही मिले। अपनी बातों में उन्होंने बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है, और फिर उन्होंने कांग्रेस का नाम लिए बगैर ये कहा, किसी खास नेता को उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमने बनाई है, हमने अपने खून पसीने से इसको सींचा है, और कांग्रेस कंप्यूटर और ट्विटर से नहीं बनी है। जो लोग पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, उनकी पहुंच केवल कंप्यूटर और ट्वीट तक है। यही वजह है कि आज कांग्रेस जमीन पर कहीं दिखाई नहीं देती, वो केवल ट्विटर्स में ही दिखाई देती है, ट्वीट करती है, ट्विटर हैंडल पे दिखाई देती है। वो लोग डिबेट से खुश रहे, उन्हें वही नसीब हो, और हम बुजुर्गों किसानों के साथ ठीक हैं, उनकी बादशाहत उनको मुबारक, यानी कि उन्होंने शुरुआत में ये कह दिया था कि उनके मन में किसी के लिए कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, आज़ाद ने 26 अगस्त को
कांग्रेस छोड़ दी थी, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। उनके बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर समेत चार नेताओं ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद, पूर्व मंत्री माजिद वानी और मनोहर लाल शर्मा ने भी कांग्रेस छोड़ दी थी। कुल मिलाकर के 64 नेता कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं। और ये बड़ी जाहिर सी बात है कि ये सभी लोग आज़ाद की जो नई पार्टी बनने वाली है उसमें ये शामिल होंगे। तो दोस्तों, ये थी जम्मू कश्मीर में हुई आज़ाद की रैली के बारे में बात। आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल MBSpeaks को देखते रहिए। फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। आज रविवार का दिन है, आप अपने समय को अच्छे से स्पेंड करिए। जय हिंद, जय भारत।